मध्य प्रदेश में भारी बारिश के बाद छोड़ा गया पानी संजय सरोवर से पूर्व विदर्भ नागपुर चंद्रपुर गोंदिया भंडारा गढ़चिरौली जिलों में बड़ी संख्या में पनपती नदियों में पूर्व विदर्भ क्षेत्र बाढ़ का सामना कर रहा है। भंडारा और गोंदिया जिले में स्थिति गंभीर है और वैनगंगा नदी में बाढ़ आ गई है। गोंदिया जिले के 20 गांव अभी भी पानी के अंदर है। मध्य प्रदेश में संजय सरोवर गोंदिया जिले के पुजारी टोला और अंतर्राज्य बावन थड़ी परियोजना से पानी का निर्वहन शनिवार से शुरू किया गया। परिणाम स्वरूप भंडारा जिले के तुमसर मोहडी और पौनी तहसील के गाँव में बाढ़ आ गई है। भंडारा शहर का आधा हिस्सा भर गया है। इसी का जायजा लेने सोमवार को शहरी विकास मंत्री और गढ़चिरौली के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे विदर्भ के दौरे पर आए थे। नागपुर आते ही उन्होंने पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया जाएगा, पूर्णपणे नक्की आढावा घेतला जाईल आणि त्याच्याप्रमाणे त्याच्या ठिकाणी राज्य सरकारच्या माध्यमातून या सर्व नुकसान झालेलं आहे त्या ठिकाणी नव्याने काम करण्याची आवश्यकता आहे, ते देखील केलं जाईल। कालच अनेक पूल आणि रस्त्यांचं भूमिपूजन आणि लोकार्पण नितीन गडकरी जींच्या उपस्थितीत झालेलं आहे आणि अन्य ठिकाणी देखील काही प्रस्तावित देखील रस्ते आहेत। रस्त्यांची कामं चांगल्या दर्जाची असली पाहिजे, पुलांची कामं चांगल्या दर्जाची असली पाहिजेत, अशा प्रकारच्या सूचना देखील दिलेल्या आहेत।